56 इंच का सीना अपने आप पीट लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किससे बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का इतिहास वो है कि अपने दुश्मन के दो टुकड़े कर दिए, देश का बंटवारा कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, एक आजाद मुल्क बनवा दिया। क्या बात करते हो, कहां राजा भोज और कहां क्या राहुल गांधी के लिए। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, करते हैं, कहते हैं कि जो देवी देवता है वो भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, वो इंसल्ट है, एक बहुत बड़ा अपमान है। देखिए, या तो बेसिकली क्या है कि नॉन बायोलॉजिकल लोगों को साइंटिफिक बातें पसंद नहीं आती, और राहुल गांधी जी कितनी डीप बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भाजपा के लोगों को किस समझ से ऊपर है, तो इसलिए उनकी समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी जी बोल क्या रहे हैं। वो क्योंकि आम आदमी की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी के साथ वो घूमते हैं, आम आदमी से फीडबैक लेते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे कुली हो, चाहे किसान हो, चाहे रेड़ी पटरी वाला हो, चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, हर किसी के साथ बैठ करके, हर किसी से चर्चा करके वो उनकी समस्याओं को देश के सामने लाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी, तो मोदी जी हैं। बीजेपी बात करती है कि कश्मीर से आतंकवाद, पर कुलगाम में 4 जो जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं एक इनकाउंटर में टेररिस्ट के साथ में। देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का क्या, गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। वो नोटबंदी लेके आए कि साहब इससे टेररिज्म की कमर टूटेगी, क्या हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी होगी, क्या हुआ कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया क्या? हाँ, देश इंतजार कर रहा है कि जो RDX लेकर के आए थे, जिन्होंने CRPF के 40 से ज्यादा सोल्जर्स को हमारे शहीद किया, उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है, वो RDX कहाँ से आया, कौन लाया? और देश ये भी जानना चाहता है कि कोई एक DSP था, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, जो रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ, कहाँ जांच वो पहुंची, जो आतंकवादियों को इधर से उधर सारा दान प्रदान हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाथ हरियाणा फरीदाबाद में थे प्रचार में, उन्होंने कहा कि देश की जितनी समस्याएं हैं उसकी जड़ कांग्रेस पार्टी ही आप लोग है, चाहे वो पार्टीशन हो, नक्सलिज्म हो, करप्शन हो, तमाम समस्याओं की जड़ कांग्रेस और सोल्यूशन सिर्फ BJP है। अब योगी आदित्यनाथ जी का रिलेवेंस भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप में नहीं रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसलिए वो इस तरीके के बयान दे करके अपना रिलेवेंस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि BJP की सेंट्रल लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने नए नए जो कांग्रेस से वहाँ गए, वो अपने आप को बड़े हिंदुत्व मैस्कॉट बता रहे हैं, हेमंत बिस्वास शर्मा को उन्होंने आगे कर दिया है इस सब काम के लिए, तो योगी जी का रिलेवेंस ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ उनको कहना है। मेरी उनको एडवाइस है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है संभालें, उत्तर प्रदेश पे फोकस करें।